Assalamu alaikum Zakir bhai, my name is Preeti and I am working in LG company GSM Mobiles and I am from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, सो मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही. माशाल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है. हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि सवाल जो आपका सेशन लगता है क्या शहादत का सेशन है. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या. माशाल्लाह, आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या, मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या. माशाल्लाह, अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाल्लाह. अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई महमूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है. मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह. क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं. ये जो फतेह मक्का का था नजारा जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था उस वक्त था, और हम जो मुसलमान हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगो अन्नी वलव आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक आप उसे फैलाओ. और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुबहाना व ताला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है, और अल्लाह सुबहाना व ताला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. माइक नंबर एक में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. जी हाँ भाई. वेरी गुड इवनिंग मिस्टर डॉक्टर जाकिर. आई एम वेणुगोपाल शास्त्री फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र. आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल MLA फ्रॉम पात्री मिस्टर ऑनरेबल बाबा जानी जी, हु हैज ब्रॉट मी ऑन दिस स्टेज एंड गिवन मी ए स्मार्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अ ग्रेट मैन वेयर वर्ल्ड लव्स यू अ लॉट. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating in the deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things, even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. Bhai ne acha sawal pucha. Sawal ke pehle ye kaha hai ke jo बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं
आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुँचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये परक्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हैं हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे, वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं? भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मैं छोटा इंसान हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं अपने आप को मौलाना कहता हूं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वला आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊं, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूं मैं उसको फैला रहा हूं, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूंगा, नुकसान भी फायदे भी है, हमें नुकसान को फायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस मीडिया के जरिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूं, ये नाचीज की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है सही हदीस में, वो 100% इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह, कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते, कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। आयत के मुताबिक आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आखिरत नहीं नजदीक आएंगी, जब तक क़यामत नजदीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात खत्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा, ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे, जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉत बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे, मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हान तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुबहान तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकाम पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगाम पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हमारा काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में, कि आप लोग
दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर दो में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अशोक यादव, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं सर। माशाल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहां मौजूद है, मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, क्या आप पे किसी ने जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स, माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस नाचीज के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुबहाना व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। माइक नंबर तीन के अंदर खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ, वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स हैं, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर, एक मिनट, आई वांट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया, आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही, फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज में ये माना जाता है कि कोई और था, ठीक है। आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफी हैं। मैं पुणे में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल
मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है धापुड़ी पुणे में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते, बिल्कुल अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुभान व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाल्लाह कई लोग माशाल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ, और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट, ये एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह समय सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाल्लाह, बहन का काफी मुताला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी, और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज चैनल होना चाहिए, यह मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हर्क्यूलियन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी
बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज दे। अक्सर चैनल, न्यूज चैनल, दे आर गवर्न बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल हो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुनाऊंगा। और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है, न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ौका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्स खत्म होने वाला है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सिस्टर एक से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद, आपने आज काफी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपी से है, मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है, तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है, वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ मैं सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या, ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है। जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद है, तौहीद अल अस्मा व सिफात। अगर वो तौहीद अल अस्मा व सिफात, तौहीद अल रुबूबिया, तौहीद अल इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, मैं फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुबहाना व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है, बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया,
जवाब इतना बेहतरीन था माशाल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर, कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर दो में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। या आई बिलीव फाइनली आई गॉट द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। ओके, दिस इज टू रिलेटेड टू द टॉपिक यू टॉट टुडे, दैट इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और मीन्स यू कंक्लूडेड विद दैट। माई क्वेश्चन इज, यू यूज्ड सूरा चैप्टर 112 एंड यू सेड दैट इट इज द एसिड टेस्ट फॉर एनी रिलीजन और एनी कॉन्सेप्ट विच हैज टू गो थ्रू इट। Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Kul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of, because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please, may I know your name? Peter. Peter bhai ne, mashallah, achha sawal pucha hai. Aur mujhe khushi hai ke aap Quran pad rahe hai. Mujhe koi gila shikwa nahi. Bhale aap Quran mein galtiyan nikalne ke liye padhiye, main bahut khush hoon. आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरह नंबर 112 जो मैंने बयान किया लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम, एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरह नंबर 2 और कई हवाले। हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू एड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहद मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुभाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हूबहू वो ही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन एंड दैट मीन्स ओनली वन गॉड। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो सवाल कीजिए। जी सिस्टर। एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था, आई यूज टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू द गॉडेस वैष्णो देवी और शेर वाली माता, आई गेट रियली नो आंसर फॉर इट। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू पुट दावा फॉर वैष्णो देवी एंड क्लियर माई कॉन्सेप्ट ऑल्सो, थैंक यू।
बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे। आपका सवाल है क्या वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या उनके मानने वालों, मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें? वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उनको मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है, लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है, श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके में तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्ष, चाहे पत्थर भी हो प्रतिमा में आ जाता है, पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो, या पत्थर को तराशते हैं। ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या इस धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी, मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते, और दूसरा मेरा सवाल है जी, और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पूरा पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, ए नेचुरली एक पुरुष कौन, एक पुरुष एक ही स्त्री का स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री स्त्री, हाँ मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है, कर सकते, कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है, इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मजाहब की किताब पढ़ेंगे,
कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को चार थे। कितनी थी? चार। चार थी, आप चार कहते चलो मान लिया मैं, तीन बीवियां थी। उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है, श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं आपके मुताबिक? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती है, तो मुसलमान की चार क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में क्या, मैरी वुमन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कैन डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1,000, 16,000 कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुबहाना ताला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है। क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता है लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी।
हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते, एक आखिरी सवाल। जी मेरा नाम अमित दास है, सलाम अलैकुम। जी मेरा नाम आशीष है, सलाम अलैकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले वाले को कर, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले वाले को मतलब जो जो बोले उस पर अमल करे सर वो, और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर कर देखूं। माशा, आपका नाम क्या भाई साहब? जी आशीष। आशीष, और आपने पहले क्या कहा, सुनाई नहीं दिया, सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया सर, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और इंशाल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूंगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके खानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। बहनों में कोई अगर नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दिया जाए, खातून में कोई बहन हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो कर सकती है सवाल। माय नेम इज श्वेता, आई एम अ नॉन मुस्लिम, आई हैव डन माय बीएससी। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शिर, इफ अ रिवर्ट सिस्टर इज प्रेशराइज्ड बाय अ नॉन मुस्लिम फैमिली टू फर्स्ट हैव अ हिंदू रिचुअल सेरेमनी for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? Behan ne sawal kiya hai ki agar ek non muslim agar uske family pressure karti hai
कि शादी के वक्त पहले हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो और फिर निकाह हो तो क्या ये इजाजत है। अक्सर गैर इस्लामिक शादियां जितने हैं, इस्लाम के अलावा दिगर मजाहब के शादी है, उसके अंदर शिरकियाना कलमात होते हैं, उसमें शिरक होता है, तो ये करना बिल्कुल गलत है। और इवन इसके अलावा आप अगर कोर्ट मैरिज करती है, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करती है तो आप ये कबूल करती है कि हम में अगर इख्तिलाफ होगा तो ये कोर्ट का कानून मुझ पे लागू होगा, वो भी शिर्क है, क्योंकि हमारा मुसलमान का कानून है कुरान। अगर निकाह करने के अलावा कोई सिविल मैरिज कोर्ट में करता है, मेरे मुताबिक वो भी शिर्क है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला खालिक है और ये कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोर्ट के रूल्स हम पे लागू होंगे, वो भी शिर्क है। तो निकाह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। अगर कोई दिगर मजाहिब के जो रिचुअल्स है जिसमें शिरकियाना कलमात है, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो कहती है कि ये कानून सबसे आखिर है, उसका मतलब कुरान के ऊपर है, तो ये भी शिर्क है, ये करना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।